तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, ठीक है? क्या टिकटॉक यूज करना सेफ है? क्या टिकटॉक आपसे आपका डाटा चुरा रहा है? तो ये दो सवाल मेरे मन में काफी टाइम से थे, तो मैंने इस चीज पे काफी रिसर्च की है, तो इसी बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। इस वीडियो में दो टॉपिक क्लियर करूंगा। पहला है क्या टिकटॉक यूज करना सेफ है, दूसरा क्या टिकटॉक आपसे आपका डाटा चुरा रहा है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली टिकटॉक ने 1 मिलियन डाउनलोड गूगल प्ले पे क्रॉस किए हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 1/7 है। तो इतना सारे लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं, तो इस पे किस तरह का कॉन्टेंट है और कौन कैसी वीडियो बनाता है और वो कौन सा सोशल मैसेज देता है, वो सही है या गलत है, टिकटॉक पे जो वीडियो होती है उसका इम्पैक्ट अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो मैंने रिसर्च की वो ये है कि मैं आप लोगों से एक डेंजरस बात शेयर करना चाहता हूँ टिकटॉक के बारे में। अगर मेरे लॉजिक और क्वेश्चन सही लगे तो इस मेरी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंचे जो जो टिकटॉक यूज करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन काफी है। डील डील। तो टिकटॉक को जब भी कोई नया यूजर डाउनलोड करता है तो टिकटॉक उससे कुछ परमिशन मांगता है, जैसे कैमरा परमिशन, ऑडियो परमिशन, SD कार्ड के लिए परमिशन, जो कि नॉर्मली सारे ऐप मांगते ही मांगते हैं। अब तुम लोग बोलोगे ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, है ना? मेरे को लग ही रहा था। रुको जरा, सबर करो। मगर तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि टिकटॉक तुमसे कभी भी तुम्हारी लोकेशन के लिए परमिशन नहीं मांगता, या यूं कह लें कि टिकटॉक कभी तुमसे तुम्हारी गूगल लोकेशन नहीं पूछता, राइट ना? कभी नहीं पूछता ना। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो टिकटॉक की सेटिंग में जाओ, जाके दे सकते हो तुम, वहां पे लोकेशन की परमिशन बिल्कुल नहीं होगी, मतलब लोकेशन की परमिशन का ऑप्शन नहीं होगा। तो सीधा इसका सीधा सीधा मतलब बनता है कि टिकटॉक को ये नहीं पता कि मैं दुनिया के किस कोने में बैठा हूँ मैं, और मेरी लैंग्वेज क्या है, मैं किस लैंग्वेज में डील करता हूँ या किस लैंग्वेज में बात करता हूँ, राइट ना? मगर जब भी कोई नया यूजर टिकटॉक पे लॉग इन करता है या साइन इन करता है तो उसके ही लैंग्वेज में वीडियो नई नई सारी आती हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, नॉर्मली दिल्ली में हिंदी बोली जाती है। अगर मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया है, अगर मैंने टिकटॉक के अंदर साइन इन किया है, तो मेरे को सारी हिंदी वीडियो दिखाई देंगी, तो टिकटॉक को कैसे पता कि मेरी लोकेशन क्या है और मेरी लैंग्वेज क्या है? क्वेश्चन है नहीं है, सही ना? तो अगर अभी भी यकीन नहीं आ रहा मेरी इस बात पे कि टिकटॉक लोकेशन की चोरी करता है, नहीं हुआ, पहले तुम वीडियो पॉज करो, चेक करके देख लो, अभी चेक करो, नहीं है ना? तो मैं कह ही रहा था। तो मतलब टिकटॉक आपसे आपका डाटा चुरा रहा है, वो भी बिना आपकी परमिशन के। इसका मतलब टिकटॉक चोर है, और इस बात की कोई वार्निंग भी नहीं है, है ना? कि टिकटॉक को कैसे पता कि आप कहाँ पे हो, आपकी लैंग्वेज क्या है, राइट ना? जब आप गूगल पे चेक करोगे तो वो दिखाएगा कि वी जस्ट ऑटोमेटिकली कलेक्टेड। ये पढ़ने के बाद मैंने टिकटॉक की जो प्राइवेसी पॉलिसी है मैंने सारी पढ़ डाली, तो उसमें कुछ 3-4 पॉइंट दिखे जो मैं बताता हूँ अभी। तो उसमें पहला पॉइंट ये था कि अगर आप टिकटॉक के अकाउंट से कोई भी अपना सोशल मीडिया का अकाउंट कनेक्ट करते हो तो टिकटॉक वहां से आपकी इन्फॉर्मेशन उठा सकता है बिना आपको बताए गए। दूसरी बात यह है कि टिकटॉक HTTP सर्वर यूज करता है, ना कि HTTPS, जो कि सिक्योर सर्वर होते हैं, जो हैक नहीं होते, जो हैकेबल नहीं होते। तो अगर टिकटॉक ने आपका अकाउंट डिलीट कर दिया या बैन कर दिया तो टिकटॉक आपका कॉन्टेंट अपने डाटाबेस में रख सकता है जब तक वो चाहे, बिना आपकी परमिशन के। तो आपको जितना भी डाटा है वो टिकटॉक में रखेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम टिकटॉक के साथ है कि AI की, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मतलब जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। तो उनका ये प्लेटफॉर्म कंटेंट क्रिएशन के लिए नहीं है, उनका प्लेटफॉर्म एल्गोरिथम के लिए है। एक न्यूज में ये आया था कि चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुपर पावर बनना चाहती है 2030 तक। अब चलो ये बताओ कि कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? ऑब्वियसली बाइनरी 0 और 1। वही टिकटॉक आपसे करने के लिए कहता है। जब भी आप टिकटॉक की वीडियो देखते हो, स्क्रॉल करते हो, तो आप उनका एक सर्वे कर रहे हो, तो उस उसमें बता रहे होते हो कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, आप उनके लिए काम कर रहे हो, आप किससे एग्री करते हैं और किससे एग्री नहीं करते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है चाइनीज गवर्नमेंट के पास कि आपको क्या लगता है, क्या ऐसे ही हो रहा है? हमसे पूछे बिना हमारी इंफॉर्मेशन चाइनीज गवर्नमेंट के पास जा रही है और हमें पता ही नहीं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा रोल प्ले करता है, वो डिसाइड करता है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो चलो वापस चाइना पे आते हैं। तो चाइना में एक ऐसा लॉ है, चाइना में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो कोई अगर डाटा कलेक्ट करता है कहीं से भी तो उसे चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा हर हाल में। तो इसके चलते ही हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमारे जितने भी जवान हैं उनको उनके फोन से 42 चाइनीज ऐप डिलीट करने के लिए बोला है। 42, सोच सकते हो कि कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। और तुम्हें क्या लगता है टिकटॉक फ्री है? नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड माई फ्रेंड। तो जब भी आप किसी ऐसे चाइनीज ऐप पे होते हैं तो आप हमेशा सर्वे कर रहे होते हैं उनके लिए और उनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं।
तो मैं यही पूछना चाहूँगा, क्या ये सही है कि हमसे पूछे बिना हमारी इन्फॉर्मेशन चाइनीज गवर्नमेंट के पास जा रही है? और अगर आपको लगता है कि इंटरनेट पे प्राइवेसी होती है तो भाई वो मिथ है। जब भी हम कोई चाइनीज ऐप यूज करते हैं तो हम उनके लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट होते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट। और वो पता है करेंसी क्या होती है? हमारा डाटा, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो उनके लिए करेंसी का काम करती है। और तुम्हें लगता है कि टिकटॉक फ्री है, टिकटॉक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ वीडियो डाल सकते हैं? नहीं, वहाँ तुम्हारा सिर्फ इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से, सब जा रहा है चाइनीज गवर्नमेंट के पास। इससे बचने का सिर्फ सिंपल सा एक रूल है, अपने जितने भी UPI के, नेट बैंकिंग के हैं, गूगल पे हो गया, फोन पे होगा, इसके पासवर्ड कंटिन्यूसली चेंज करते रहें और अपना ईमेल अकाउंट हमेशा सेव रखें, चाहे 2-स्टेप वेरिफिकेशन रखें। तो मैंने यहाँ पे टिकटॉक एग्जांपल क्यों लिया है, क्योंकि बहुत ही फेमस ऐप है, लोग इसी से कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए मैंने टिकटॉक के बारे में बात की है। मेरा मेन मुद्दा था कि कोई भी फ्री ऐप फ्री नहीं होती है। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप एक प्राइस पे करेंगे और आप रेडी ना होते हुए भी रेडी होते हैं। क्वेश्चन ये है कि तो क्या तुम्हें चाइनीज ऐप अनइंस्टॉल करनी चाहिए? अरे ये मैं कौन होता बताने वाला? तो ये तो तुम्हारा खुद का पर्सनल डिसीजन है, क्या तुम्हें वो ऐप यूज़ करनी है, क्या वो ऐप यूज़ नहीं करनी, क्या तुम प्राइस पे करने तैयार हो, है ना? तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, लॉजिकल लगा हो, मेरे क्वेश्चन सही लगे हो, तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आगे मैं वो ऐसी वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।